यो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हम लोग फ्रेंड्स, हम लोग स्वागत करता हूं अपने एक न्यू ब्लॉग में। तो गाइस, आज मैं जाने वाला हूं नोएडा स्टेडियम, एंड यहां पे हर साल की तरह इस बार भी दशहरे की पूरी धूमधाम से तैयारी चल रही है। तो चलिए फटाफट से दशहरे की क्या तैयारी चल रही है नोएडा स्टेडियम में फटाफट से देखते हैं। चलिए नोएडा स्टेडियम चलते हैं। तो यो गाइस, सामने है नोएडा स्टेडियम, चलो फटाफट से अब एंट्री लेते हैं नोएडा स्टेडियम में। एंड सामने आप देख सकते हैं बांस वास लगा दी गई है, दशहरे की मेले की तैयारी तो पूरी चल रही है। अंदर जाके देखते हैं कि रावण आवण क्या है, बनाया कि नहीं बनाया अभी। एंड यहाँ वाटर का एटीएम आपको कितने बार दिखा चुका हूँ। एंड यहाँ पे गोल्फ ग्राउंड है। अब फटाफट चलते हैं हम रामलीला मैदान में, जहाँ रामलीला होती है और जहाँ अभी रावण बनाने की पूरी प्रक्रिया चल रही होगी। तो गाइस, मैं यहाँ पे पिछले हफ्ते भी आया था, और पिछले हफ्ते यहाँ पे मतलब अभी तो कुछ उसका ढांचा ही बन रहा था रावण वावण का, पर अभी हम जा रहे हैं, देखते हैं कि क्या क्या वहाँ पे भी तैयारी आगे बढ़ चुकी है एंड क्या क्या वहाँ पे अब हो चुका है। तो चलिए फटाफट चलते हैं एंड वहाँ का ब्लॉग भी बनाते हैं। यो 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 गाइस, आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ नोएडा स्टेडियम। एंड यहाँ पे आप देखते हैं, मैंने आपको दिखाया था पिछले वीडियो में भी, जो मैंने मतलब एक हफ्ते पहले बनाई थी, यहाँ पे बिल्कुल रावण की तैयारी चल रही है बनाने की, रावण मेघनाथ जो भी इनके भाई भ्राता होते हैं। एंड चलिए हम फटाफट से हम चलते हैं अंदर, एंड अंदर जो है झूले वूले लगे हैं कि नहीं लगे हैं उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। और यार स्टेडियम में आने के बाद मतलब क्या वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। चलो फटाफट से अब चलते हैं अंदर। आप देख सकते हैं भाई पूरी तैयारी चल रही है तगड़े वाली, तो वो सारे के सारे भाई यहीं पधारना बिल्कुल। यहाँ मुझे लगता है लाखों की जनसंख्या में भीड़ होती है भाई उस दिन, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है हद से ज़्यादा। और आप देख सकते हो पीछे पूरी रावण की बॉडी रखी हुई है, देखो ये बांस वास सारे। और हम एंट्री ले रहे हैं भाई, देखो यहाँ पे पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है, चलो अब चलते हैं अंदर। तो गाइस, आप ये देख सकते हैं नोएडा स्टेडियम में यहाँ पे जितने भी झूले वूले लगते हैं उन सबकी बिल्कुल तैयारी शुरू हो चुकी है। और यहाँ पे कितने सारे झूले जो है यहाँ पे सेट हो रहे हैं। ये गाइस, सबसे पहले मैं व्लॉग बना रहा हूँ आपको, इससे पहले भी शायद किसी ने नहीं बनाया होगा व्लॉग। नोएडा स्टेडियम की तैयारी चल रही है भाई दशहरे की, फटाफट से लाइक कर दिया करो यार वीडियो को, एक लाइक तो करना है। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है बस, और फिर मौत से वीडियो देखना है। ये देखो भाई, यहाँ डीजे वीजे इनके जो सिस्टम होते हैं अपने सारे अपने सिस्टम लेके आ चुके हैं। और भाई ये नाव वाला झूला देख सकते हो, यहाँ पे रेडी किया जा रहा है क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं रह गया है मेले लगने में, क्योंकि नवरात्र से ये भी शुरू हो जाते हैं। और यहाँ आप देखते हो बड़े बड़े ट्रक भर भर के आते हैं यार, मैं तो ऐसा देखा नहीं था। और ये देख सकते हैं यहाँ पे डांसिंग वाला, और बाकी आपको रामलीला मैदान में दिखाता हूँ, सॉरी यहाँ मिक्की माउस भी बनते हैं देख सकते हो। और वो रहा गाइस, सामने आप देख सकते हो वहीं पे रामलीला होती है, और यहाँ कुछ छोटे झूले भी आए हैं। तो गाइस, अभी आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ नोएडा स्टेडियम में, एंड यहाँ पे मेले की पूरी तैयारी चल रही है, यहाँ पे रामनवमी की पूरी तैयारी है। आप देख सकते हो पूरा मतलब झूले वूले सब यहाँ पे आने स्टार्ट हो चुके हैं, एंड कितने झूले यहाँ पे बनने भी शुरू हो चुके हैं, ठीक है। एंड यहाँ सामने मेरे आ चुका है जहाँ पे कि रामायण की कथा चलती है, तो चलिए आपको यहाँ पे दिखाता हूँ किस तरह की यहाँ पे भी व्यवस्था है, दिखाता हूँ आपको आगे करके। गाइस, आप देख सकते हो कि यहीं पे मतलब रामायण का पूरा शो चलता है, एंड यहाँ पूरे में कुर्सियाँ लगेंगी अभी। और वो रहा उधर से वीआईपी एंट्री वालों को, भाई खान पीने का यहाँ व्यवस्था लगेगा। एंड ये पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे भी बड़े बड़े झूले लगने हैं,
यहाँ नाव वाले झूले लग गए हैं, डांसिंग वाला ब्रेक डांस वाला लग चुका है एंड यहाँ पर भी तैयारी चल रही है पूरी। अब बस कुछ ही दिनों में यहाँ पर पूरा का पूरा मेला लग जाएगा और उसके बाद भाई मेले की पूरी वीडियो आएगी डेली, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है ना, मैंने आपको पूरा का पूरा ये दिखा दिया कि अभी यहाँ पे क्या तैयारी है, यहाँ पे जो नोएडा स्टेडियम है इसमें भी क्या क्या तैयारी चल रही है, क्या क्या तैयारी हो चुकी है एंड कितना काम प्रोग्रेस में चल रहा है, आपको मैं पूरी जानकारी दे रहा हूँ अपने ब्लॉग में। ठीक है, चलो फटाफट से घर चलते हैं यार, क्योंकि मैंने दवाई अभी लेने के लिए आया था तो यहीं से मैं डायरेक्ट निकल रहा था घर, तो मैं सोचा कि इसकी भी एक ब्लॉग बना ली जाए जब यहीं से गुजर रहे थे तो एंड चलो फटाफट से घर चलते हैं। और अगर ब्लॉग पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करो, लाइक करने में कुछ नहीं जाता यार, बस एक अंगूठा दबाना है लाइक हो जाएगा, और सब्सक्राइब करो चैनल को यार, फैलाओ, आप ही लोग हैं यार तो थोड़ा मतलब कुछ कर सकते हैं हमारे लिए, तो थोड़ा फैला दिया करो वीडियो को, शेयर कर दिया करो आपके जो दोस्त लोग हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और आप भी अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि भाई देखो क्या क्या तैयारी चल रही है, आप घर बैठे देखते हो, यहाँ पर मैं बस आके वीडियो बना के डाल देता हूँ। और गाइस यहाँ आप देख सकते हैं जो यहाँ रामायण जहाँ पे चलती है, ये इसका VIP गेट है, यहाँ से VIP एंट्री होती है भाई, जितने भी नेता विधायक विधायक होते हैं जो इसके जान पहचान के होते हैं वो यहीं से एंट्री मारते हैं, देख सकते हो ये गेट है उसका। एंड अब घर चलते हैं फटाफट से। मैं आशा करता हूँ कि नोएडा स्टेडियम के जो मैंने व्लॉग बनाया आपको व्लॉग पसंद आएगा, अगर आपको व्लॉग पसंद आए जरूर से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें वीडियो को, आपके जो भी दोस्त यहाँ पे आते हैं नोएडा स्टेडियम में आने के लिए इच्छुक हों कि भाई यहाँ पे हमें जाना है रामनवमी के मेले में, ज़रूर से वीडियो को शेयर करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।